नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका। आप लोग जानते ही हैं कि अब जम्मू जो है उसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के लिए जो है वो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग ट्राई जो है वो की जा रही है कि किस प्रकार से जम्मू को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया जाए। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है वो अलग अलग कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या चाहे और किसी बात को लेकर हो, तो लगातार कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। आप लोगों को मैं एक वर्टिकल गार्डन्स दिखाना चाहूँगी, जो कि एक स्मार्ट सिटी की पहल के लिए जो है वर्टिकल गार्डन्स की शुरुआत जो है वो की गई थी। वर्टिकल गार्डन्स जो है वो बनाए गए थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जो है BC रोड पर वर्टिकल गार्डन जो है वो बनाए गए थे। लेकिन अब वर्टिकल गार्डन के बाद स्मार्ट सिटी के लिए जो है वो एक और कदम जो है वो LG सरकार ने उठाया है और एक बड़ा ई प्रोजेक्ट जो है उसे अब फाइनलाइज कर दिया गया है और अब उसे ई प्रोजेक्ट का जो है वो उद्घाटन कर दिया गया है और उपराज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के लिए उद्घाटन किया गया है। और ये प्रयास जो है वो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब तक सड़कें जो हैं यानी कि रोड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनती हैं, तब तक जो है वो स्मार्ट सिटी जो है स्मार्ट सिटी नहीं कहलाई जाती है। क्योंकि जब कोई आता है, ये रोड जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है, यहाँ से बसेस निकलती हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से एरिया से निकलते हैं, तो ये एरिया जो है मेन है जिसको अट्रैक्ट करने के लिए ये वर्टिकल गार्डन जो है बनाए गए थे और बड़े प्यारे से पौधे जो है यहाँ लगाए गए हैं और लोगों को जो है ये काफ़ी ज़्यादा भाते हैं कि अब अच्छा प्रोजेक्ट जो है अभी तक कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है, प्रॉपरली इसको जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन जो ई प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब मेयर ने कहा है कि डोगरा चौक यानी कि जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से लेकर जो है KC चौक तक सड़क की हालत जो है उसे सुधारने के साथ साथ शहर में लगी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, अगर उसमें आप सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी तरह की, तो एक ऐप जो है वो बनाया गया है जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो रख सकते हैं कि आपके एरिया की स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं जल रही है। इसके लिए एक ऐप प्रॉपरली जो है वो बनाया गया है। फिलहाल डोगरा चौक से KC चौक तक की सड़क की हालत सुधारने का काम जो है वो जल्दी शुरू होने जा रहा है और सड़क की जो बदहाली है यानी कि सड़क के जो हालात है उसे दूर करने के साथ यहाँ के फुटपाथ जो है और उसकी हालत भी जो है वो सुधार ली जाएगी, क्योंकि ये बिजी रोड है और लोगों को जो है रोड पर चलने में जो है प्रॉब्लम आती है। यहाँ से बसेस भी निकलती हैं, मेटाडोर्स भी निकलती हैं, व्हीकल्स भी निकलते हैं, इससे लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ के फुटपाथ जो है वो प्रॉपर बने नहीं हुए हैं। इसीलिए ये नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है जिसमें इस फुटपाथ की ओर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। और विजुअल्स आप देख रहे हैं फुटपाथ के किस हालात से हैं। इसके अलावा शहर की जितनी भी ख़राब स्ट्रीट लाइट है उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऐप भी जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करूँ तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर अंदर मंगलवार यानी कि बीते कल जो है वो इस प्रोजेक्ट का ई उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है और इस मार्ग की दयनीय हालत का अंदाज़ा जो है इससे भी लगाया जा सकता है।